हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एमपीआर आरओ चैनल। आज हम लोग सीखेंगे 16 लीटर एक्वा प्रेस आरओ का बारे में सीखेंगे। एक्वा प्रेस आरओ है, ये 16 लीटर का आरओ है जिसमें से टीडीएस बहुत ज्यादा आ रहा था, इसलिए इसका सर्विस करवाने का कंप्लेंट आया हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, कस्टमर कंप्लेंट मतलब पानी टेस्ट नहीं आ रहा है। हमने इसका टीडीएस चेक करता है, पहले सबसे पहले इसका टीडीएस चेक करके देखना है। कुछ भी पानी है टीडीएस से पता चल जाएगा पानी अच्छा है कि खराब है। कम से कम 50 से 150 के अंदर एक्सलेंट होता है। इन लोगों ने एक्सलेंट में पानी नहीं बताया था, कम से कम 150-200 का ऊपर ही पानी बताया था। अब चलिए इसका टीडीएस चेक करके बता दूंगा। देखिए, अब चलिए इसका टीडीएस है, देखिए 196 है। एकदम पानी इसका मतलब मेम्ब्रेन खराब हो चुका है इसका है। हमने टीडीएस एडजस्टर भी अंदर से चेक करवाया था, वो पूरा ही बंद था ऑलरेडी है। चलिए अभी आरओ सर्विस करते हैं, किस तरीके से आरओ का सर्विस करना है सीखेंगे इसी वीडियो पे। आरओ के बारे में जो भी पूछताछ करना है कमेंट बॉक्स में आप लोग का जरूर कमेंट कर सकता है। आधा घंटा के अंदर आपका कमेंट का जवाब मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका पूरा स्टेप बाय स्टेप सर्विस कर रहे हैं। देखिये सेडिमेंट फिल्टर है, देखिये फ्री फिल्टर लास्ट में करवाऊंगा आउटसाइड का। आरओ का अंदर देखिये सेडिमेंट फिल्टर है, इसमें से चेक किया था पूरा एकदम मिट्टी भरा हुआ था। देखिए फ्रेंड्स, इसमें से सेडिमेंट फिल्टर कार्बन फिल्टर का अलग कैसे है, देखिए इसका कनेक्टर निकाल दिया है, किस तरीके से कनेक्टर निकाल रहा है वो भी देख लीजिए फ्रेंड्स। आपका अपना घर पे खुद आरओ सर्विस कर सकता है। आरओ के बारे में जो भी पूछताछ करना है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर सकता है। सेडिमेंट फिल्टर हो गया, नेक्स्ट कार्बन फिल्टर है। देखिये कार्बन फिल्टर पे भी पूरा एकदम मिट्टी जम गया, बहुत बारी भी बढ़ गया था। देखिये फ्रेंड्स, अभी इसका पानी का भी देखिए, ओ बाबरे बा, देखिए पूरा गंदा लग रहा है, एकदम पूरा मिट्टी भरा हुआ लग रहा है। इसी का इसका वजह से पूरा जाम हो चुका है। उसका मेम्ब्रेन का अंदर भी मेम्ब्रेन भी अभी काम नहीं कर रहा था। हमने चेक कर रहा था टीडीएस 196 आ रहा था, इसका मतलब ये पी भी सकता है, लेकिन कस्टमर ने बताया हमको और कम टीडीएस चाहिए, मतलब मेम्ब्रेन ही बदलना पड़ेगा। देखिए कितना मिट्टी है, पूरा एकदम काला काला पानी निकल रहा है इसमें से। अब चलिए फ्रेंड्स, स्टेप बाय स्टेप बता रहा है। देखिये फ्रेंड्स, सेडिमेंट फिल्टर हो चुका है, देखिये कार्बन फिल्टर है। देखिए इसका अभी दोनों फेंकना पड़ेगा, इसका कनेक्टर किस तरीके से निकल रहा है। देखिए फ्रेंड्स, हल्का से एक पुश टाइप कर रहा था, इसका कनेक्टर है, लॉक का अंदर दबाएगा तब कनेक्टर आराम से निकल जाएगा। इसका यल से इस कनेक्टर बोलते हैं। देखिए स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं आरओ का है। देखिये सबसे पहले सेडिमेंट फिल्टर है, कार्बन फिल्टर है, दोनों खोल दिया है, चेक कर लिया। अब चलिए इसका नया लगा देता है। देखिये क्रॉस कंपनी का है, देखिये एकदम बढ़िया अच्छा काम करता है। अब चलिए फ्रेंड, इसमें से 12 मंथ रिप्लेसमेंट टिका है। देखिए अगर 12 मंथ हो जाएगा, एक साल हो जाएगा, आप फिल्टर बदलना से अच्छा रहता है, अगर नहीं बदलना से भी चलेगा, आप लोग का मर्जी है। देखिए फ्रेंड, पानी अच्छा रहेगा नहीं बदलने का भी है। इसमें पूरा मिट्टी आ चुका था, आपने देखा होगा सेडिमेंट फिल्टर कार्बन फिल्टर से हमने दिखा दिया। अब चलिए नया लगा देता है, इसमें से यूरो मार्क रहता है, उसी हिसाब से लगाना पड़ता है ये फिल्टर का। चलिए फ्रेंड, इसका टीडीएस भी देख के बता दिया। देखिए अभी ये पूरा खराब हो चुका था, इसलिए फिल्टर बदल रहा है। देखिए सेडिमेंट फिल्टर रख दिया, इसमें यूरो मार्क भी देखिए, दाएं बाएं का देखिए, अभी कनेक्टर भी लगा दिया इसमें। देखिए आरओ का कनेक्टर है ना, जैसे पुश कनेक्टर है, 1/4 का इसका साइज है। देखिए 1/4 साइज का दो कनेक्टर लगा दिया, उसके बाद कार्बन फिल्टर है। देखिये ऊपर सेडिमेंट लगा दिया, नीचे कार्बन लगा दिया। चलिए फ्रेंड्स, इनपुट आउटपुट का भी बताऊंगा। यूरो मार्क जैसे जैसे ये इनपुट आउटपुट का इधर शॉर्ट कर रहा है। देखिए फ्रेंड्स किस तरीके से शॉर्ट कर रहा है, देखिए ये दोनों का हो गया। देखिए अब चलिए वहां ऊपर से लेफ्ट साइड ऊपर से इनपुट देना है, जहां से पानी आता है ना सीधा, जहां से टैंक से सीधा टैप होके प्री फिल्टर से होके सेडिमेंट फिल्टर में कनेक्शन देना है। नहीं तो हमने एसी वाल्व में देके भी सेडिमेंट कार्बन फिल्टर में दे सकता है कनेक्शन। देखिए नहीं तो सेडिमेंट फिल्टर कार्बन फिल्टर का बात भी एसी वाल में दे सकता है, एसी वाल का बात भी सेडिमेंट कार्बन फिल्टर में भी दे सकता है। जैसे आप लोग का इनपुट का जैसे टैंकी से ऊपर से जो पानी प्रेशर आ रहा है ना उसी हिसाब से। अब चलिए नीचे दे दिया इनपुट है, देखिए अभी इनपुट में दिया हुआ। चलिए फ्रेंड्स, इसमें लेफ्ट साइड में सेडिमेंट फिल्टर का इनपुट है, फिर ये राइट में आ रहा है, दोनों शॉर्ट कर दिया, फिर आउटपुट निकाल दिया, उसके बाद एसी वाल में दे दिया। एसी वाल के बाद बूस्टर पंप में कनेक्शन है। इसके बाद चलिए मेम्ब्रेन, आरओ का मेम्ब्रेन सबसे मेन चीज है, ये महंगा भी पड़ता है थोड़ा मेम्ब्रेन का है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए फ्रेंड्स।
चलिए मेमोरिन किस तरीके से निकालना सीखेंगे इसी वीडियो पे। देखिए आरओ का मेमोरिन आपको जो घर पे चेंज कर सकता है, आपका पानी टीडीएस ज्यादा आ रहा है नहीं तो मेमोरिन चेंज करना है, कोई फर्क होता है जैसे खुद मेमोरिन चेंज कर सकता है इस तरीके से। देखिए फ्रेंड्स अब चलिए मेमोरिन कैसे धीरे धीरे करके दाहिने नहीं तो बाएं घुमा के ऐसे खींचेगा, पूरा पुश करके एकदम बाहर पुश करेगा तो पूरा आ जाएगा। देखिए मेमोरिन का लेते, देखिए इसमें एक साथ का साथ मिट्टी भी है, इसका नीचे मारने से पता चल जाएगा इसमें पूरा मिट्टी है, अंदर का पूरा जाम हो चुका है। देखिए अभी हल्का हमने मार के भी दिखाऊंगा आपका है, देखिए फ्रेंड ऊपर भी पूरा मिट्टी है, इनसाइड में पूरा ब्लैक एज हो चुका था, जैसे फिल्टर वाला एरिया है वहां ब्लैक एज होके ज्यादा टीडीएस आ रहा है। देखिए पूरा मिट्टी ही निकल रहा है अभी, पता चल गया। अब चलिए दूसरी मेमोरिन किस तरीके से बदलना सीखेंगे, उसके पहले सबसे पहले ये हाउसिंग का है ना ये क्लीन कर देते हैं, उसके बाद ही मेमोरिन इंस्टॉल कर देते हैं। देखिए फ्रेंड्स अभी हाउसिंग पूरा क्लीन करके उसके बाद नई मेमोरिन 125 GB क्या और वो मेमोरी इसमें इंस्टॉल करना है अभी। देखिए 125 GB एकदम बढ़िया काम करता है, 2500 TDS तक काम करेगा। चले फ्रेंड्स अब शुरू करते हैं इसका है, स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा है। कहीं भी आरओ के बारे में आप लोग का डाउट होता है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, आधा घंटा के अंदर तुरंत आपका कमेंट में जवाब मिल जाएगा। चलिए FR450 है, जैसे हमने दिखा रहे ना इसमें FR450 है, एक यूवी है, बूस्टर पंप है, अडाप्टर है, SU वाल्व है, ये चीज है आरओ का मेन चीज है, एक आटाकट वाल्व का भी। अब चलिए 2000 TDS का देखिए फ्रेंड्स, ये बढ़िया काम करता है, 125 GB का मेमोरी है। देखिए मेमोरी का किस तरीके से कर रहे, देखिए अभी जूम करके अभी आपका दिखाऊंगा, 125 GB का है, 125 GB। और देखिए मेमोरी एकदम ऐसे करके देना है, नहीं तो बायां फुस करके ऐसे लाख लगाना, देखिए किस तरीके से कर रहा है। वीडियो थोड़ा पास्ट में रखा हुआ क्योंकि ज्यादा लंबा पड़ेगा इसलिए शॉर्टकट पे बना हुआ था वीडियो, कहीं भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर सकता है। चले फ्रेंड्स अब मेमोरी इंस्टॉल हो चुका है, सीडमैन फिल्टर है, कार्बन फिल्टर है, मेमोरी है, तीनों बदल दिया है। अब चलिए आरओ में मेन चीज ये तीनों है, उसके बाद कुछ भी नहीं, उसके बाद टीडीएस एडजस्टर है, उसके बाद यूवी है, मेमोरी का बात ही यूवी में पानी आना चाहिए तब सही है। अब देखिए फ्रेंड्स मेमोरी का फिट कर चुका है, उसके बाद यूएफ फिल्टर है, कॉपर फिल्टर है, ये इंस्टॉल करना है। देखिए किस तरीके से इसका फिटिंग करें, कहीं भी रख दो हमको मतलब कनेक्शन सही होना चाहिए, ऐसे भी फिटिंग कर दो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कनेक्शन इनपुट आउटपुट का कनेक्शन सही होना। देखिए मोटर से एकदम अभी मेमोरिन का कनेक्शन दे दिए, आपने देखा होगा मोटर से मेमोरिन का कनेक्शन दे दिए, वहां से एक टी लगा हुआ रखा है ना जैसे मेमोरिन का कनेक्टर से, देखिए मेमोरिन का आउटपुट से एक टी लगा रखा है, एक टीडीएस एडजस्टर, देखिए बढ़िया दिखाई दे रहा है ये, देखिए टीडीएस एडजस्टर गोल टाइप का रहता है, उसमें से जैसे आरओ चालू होगा मोटर से प्रेशर से यहाँ तक पानी पहुंच जाता है, जैसे यहाँ से जो उंगली रखा है ना मैंने जैसे स्क्रू लूज करेगा ना उसमें से आगे से पानी पहुंच जाता था, विदाउट मेमोरी का पानी टीडीएस बढ़ाने के लिए ये रास्ता बना हुआ है, ये कनेक्शन टाइप है विदाउट टीडीएस का है, विदाउट मेमोरी का पानी इसी में जाके टीडीएस बढ़ाने के लिए। देखिए अब चलिए ड्रिंकिंग वाटर का है, अब स्टेप बाय स्टेप भी कनेक्शन बताऊंगा, वीडियो लास्ट तक देखते रहे, वीडियो में जो भी पूछताछ करना कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर सकता है। आरओ के बारे में स्टेप बाय स्टेप भी बताऊंगा, जैसे आरओ का आउटसाइड फिल्टर है वो भी किस तरीके से खोलना है, किस तरीके से इंस्टॉलेशन करना है, प्री फिल्टर कैसे चेंज करना है, कैसे फिट करना है, वो भी सीखेंगे इसी वीडियो पे। देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले इसमें आरओ का प्रॉब्लम चेक किया था हमने, लेकिन पूरा खराब हो चुका था सेडिमेंट कार्बन मेमोरिन, इसलिए मेमोरिन बदल दिया, सब कुछ ये सेडिमेंट कार्बन भी बदल दिया है। अब चलिए फ्रेंड सारे फिट हो चुका है, उसके बाद देखते हैं टीडीएस सेटिंग भी करवाना पड़ेगा, किस तरीके से टीडीएस सेटिंग होता है वो भी सीखेंगे। अब चलिए आरओ चालू करते हैं, फ्लग लगा रहे, देखिए फ्रेंड्स अब चालू हो गया, यूवी का लाइट भी चल रहा है, देखिए फ्रेंड्स एकदम बढ़िया मस्त चल रहा है, यूवी अल्ट्रावायलेट का है, ये ड्रिंकिंग वाटर का है, देखिए
मेम्ब्रेन से जो डायरेक्ट पानी आ रहा है उसी का कनेक्शन है ये। अभी यूवी में कनेक्शन नहीं दिया हमने, यूवी जो कॉपर फिल्टर से ना उसमें कनेक्शन नहीं दिया, उसमें बाद में दे दूंगा। अभी नई मेम्ब्रेन डाला है ना, इसका टीडीएस वगैरह कैसे है क्या है काम कर रहा है कि नहीं, इसका चेक करने के लिए हमने देखिए डायरेक्ट मेम्ब्रेन से कनेक्शन निकाल दिया। अब चलिए एकदम बढ़िया मस्त काम कर रहा है मेम्ब्रेन है। अब इसका टीडीएस से पता चलेगा। ये वेस्ट वाटर का है, ये देखिए एक रिजेक्ट वाटर का भी है, एक ड्रिंकिंग वाटर का भी है। मैंने जैसे ऊपर पकड़ के रखा है वो वेस्ट वाटर का है, वेस्टेज जाता है उतना है। देखिए ये ड्रिंकिंग वाटर का है, वेस्टेज कम ज्यादा होता है जैसे मोटर प्रेशर का हिसाब से, वेस्टेज कम आएगा ज्यादा भी आता है। ज्यादा प्रेशर वाला मोटर लगेगा ज्यादा वेस्टेज भी आएगा, ड्रिंकिंग वाटर भी ज्यादा आएगा। अगर कम वाला लगाएगा आपने 75 GPD का मोटर लगाने से ये वेस्टेज पानी बहुत कम आता है, बहुत बहुत कम आएगा। पानी भरने में टाइम भी लगता है, ये मोटर का डिफेंड होता है, जैसे मोटर का ऊपर है आगे पीछे होता है। अब चलिए इसका टीडीएस नापता है शुरू से। 50 से 150 के अंदर एक्सलेंट ड्रिंकिंग वाटर होता है, 150 से 250 गुड में आता है। अब चलिए इसका टीडीएस कितना आ रहा है देखता है। टीडीएस बढ़ाना का भी रास्ता है हम लोग के पास है, कैसे टीडीएस बढ़ाना वो भी सीखेंगे इस वीडियो पे। देखिए फ्रेंड्स पानी एकदम बढ़िया आ रहा है मेम्ब्रेन से कम मेम्ब्रेन बदलने के बाद एक बार दो बार इसका टैंकी भरने के बाद, ये आर ओ स्टोरेज टैंक है ना, ये भरने के बाद नीचे छोड़ दीजिए अच्छा ही है, क्योंकि जैसे केमिकल वगैरह जो भी रहता है मेम्ब्रेन का है उसका फैक्ट्री में जैसे प्रोडक्शन होके आता है, इसलिए उसमें केमिकल जो भी डस्ट वगैरह रहता है वो सब कुछ क्लीन हो जाता है। अब चलिए एकदम बढ़िया आ रहा है इसका टीडीएस भी, चेक कर लेते हैं टीडीएस किस तरीके से बढ़ाना वो भी सीखेंगे। चलिए थोड़ा समय के बाद ही इसका टीडीएस कम ज्यादा होता है, 10-15 मिनट आर ओ चलाने के बाद ही। अब चलिए टीडीएस चेक कर रहे हैं, इसका टीडीएस ही कम हो रहा है, हमने चेक कर लिया इसका है, क्योंकि शुरू से टीडीएस कम होता है, कम होगा तो अच्छा ही मेमरिन। अगर मेमरिन 100 का ऊपर टीडीएस शुरू में देगा था वो मेमरिन खराब मान लो, जैसे 100 का ऊपर टीडीएस दे रहे ना मेमरिन, वो मेमरिन खराब है। जैसे आपका पानी के हिसाब से यहाँ से कम 500 TDS का अंदर ही पानी है, अगर आपका पानी 1500-2000 का अंदर है ये 100 आ रहा मतलब वो सही है। डायरेक्ट पानी 1000 का ऊपर आएगा ना वो 150 तक भी सही पानी है, एक्सेलेंट वाटर ही होता है, 150 तक भी 1000-1500-2000 का पानी है, नमक पानी रहता है वो फिल्टर करके 100-150 ही देता है मेम्ब्रेन। उसके बाद इसका 500 TDS मतलब और भी कम होना है, 500 का मतलब 50-40 तक आएगा भी सही है। उसके बाद उसका बढ़ा के पानी पीना पड़ेगा, जैसे टीडीएस बढ़ा के पानी पिएगा अच्छा है, टीडीएस कम मत पिए, कभी 50 का नीचे मत पीना पानी, क्योंकि उसमें कैल्शियम आयरन मैग्नीशियम जिंक बहुत कुछ वेरिएंट का पानी में मिलता है, जैसे वो सब कुछ चाहिए तो हमने पानी 50 का ऊपर पीना से सारे मिनरल्स वगैरह सब कुछ हम लोग मिल जाता है, नहीं तो हम लोग बाद में 50 का नीचे कंटिन्यू पीते रहेगा, अगर 1-2 साल का बाद बोलेगा अपना बॉडी पे कैल्शियम नहीं है आयरन नहीं है जैसे बोलेगा, डॉक्टर के पास जाएगा वो खुद बोलेगा आपका बॉडी पे कैल्शियम कम है आयरन कम है टैबलेट दे देगा फिर। इसलिए पानी से मिलजुल के पी लीजिए, पानी का टीडीएस चेक करके पी लीजिए, जैसे टेस्ट बदल देता है उसी हिसाब से पीना है। ये की टेस्ट में पानी थोड़ा तीता लगता है ना, तीता टाइप का लगेगा वो टीडीएस कम मान लो, जैसे बराबर होना चाहिए, मीठा भी नहीं होना है कड़वा टाइप का भी नहीं होना चाहिए, एकदम बराबर रहेगा वो पानी सही है एकदम अच्छा है। इसका मतलब 80-90-100 इसका 150 का अंदर ही पी लीजिए, वो एक्सलेंट ड्रिंकिंग वाटर होता है, 60-70-80 एकदम एक्सलेंट ड्रिंकिंग वाटर ये पी सकता है आराम से। चलिए इसका टीडीएस नापता है कितना टीडीएस आ रहा है देखिए फ्रेंड्स, 41 कुछ आ रहा है। इसका टीडीएस बढ़ाना पड़ेगा, किस तरीके से टीडीएस बढ़ाते हैं देखिए, देखिए स्क्रू मैंने बताया ना वो स्क्रू का, देखिए वहां से कनेक्शन जा रहा है एरो मार्क, देखिए एरो मार्क से जैसे मोटर अभी चालू है वहां से बहुत प्रेशर से पानी आता है, वो प्रेशर का पानी इसी वाल्व से भी जाता है पानी, इसी वाल्व में जाके हमने लूज कर रहे हैं, लूज करने के बाद ये देखिए पानी इसी में आएगा, ये ड्रिंकिंग वाटर का है, देखिए एक टी लगा के बीच में रखा है, इसमें से मिलाना पड़ेगा वो पानी का, मिलाने का बात ही पता चलेगा टीडीएस। देखिए ये अभी डायरेक्ट मेम्ब्रेन का पानी है, जैसे ये है ना मेम्ब्रेन का पानी है, अभी इसमें टीडीएस मिलाना है, देखिए हमने फिटिंग कर रहे हैं, अब देखिए मिला दिया टीडीएस, अब चेक करते हैं टीडीएस कितना आ रहा है।
कनेक्शन कर दिया, दे दिए। अब देखिए पूरा इसमें मिला के आता है, पूरा UVF से सारे रोटेशन करके आता है। उसके बाद देखता है TDS कितना तक आ रहा है। देखिए फ्रेंड, 2 TDS मीटर से नाप रहे हमने। देखिए कस्टमर का सेटिस्फाइड होना चाहिए। देखिए कस्टमर ने बताया बढ़िया ही, अभी TDS का सेटिंग है एकदम बढ़िया। आप चलिए सबसे पहले यहाँ से इनपुट जा रहा है पानी। देखिए इनपुट इधर है, प्री फिल्टर है ना, प्री फिल्टर इनपुट है, यहाँ से आउटपुट होके इधर सीधा आ रहा है। उसके बाद चलिए इनपुट है, यहाँ से इनपुट होके सेडिमेंट फिल्टर है। स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ फ्रेंड्स, बढ़िया सुन लीजिए फ्रेंड्स, वीडियो को देखते रहे, बात का सुनते रहे, स्टेप बाय स्टेप बता रहा है। सेडिमेंट फिल्टर से आ रहा है, एरो मार्क देखिए, ये देखिए एरो मार्क है, एरो मार्क से पानी आ रहा है, यहाँ से सेडिमेंट फिल्टर से होके ये आउटपुट है, सेडिमेंट फिल्टर का आउटपुट होके उसके बाद कार्बन फिल्टर में नीचे आ रहा है। देखिए ये कार्बन फिल्टर है, कार्बन फिल्टर से नीचे आके फिर कार्बन फिल्टर से आउटपुट निकाल रहा है। ये देखिए कार्बन फिल्टर से आउटपुट निकाल के फिर एसी वाल में इनपुट में देना है, फिर एसी वाल से आउटपुट होके मोटर पे दे रहा है, बूस्टर पंप है, बूस्टर पंप से इनपुट से ये आउटपुट निकाल रहा है। देखिए बूस्टर पंप से ये आउटपुट है, आउटपुट से एक टी लगा रखा है, टी लगा है, मेमोरिन पे जा रहा है। देखिए ये TDS एडजस्टर का वाल्व है, ये देखिए बूस्टर पंप से स्क्रू लूज करेगा, इसमें से पानी मिला देता है। देखिए वो स्क्रू लूज करेगा, इसमें पानी आके विदाउट मेमोरिन का पानी इसमें मिला देगा, TDS बढ़ जाता है। देखिए अब चलिए TDS एडजस्टर का हो गया, अभी ये मेमोरिन में जा रहा है कनेक्शन। देखिए अभी ये मेमोरिन में जा रहा है, मेमोरिन से 2 कनेक्शन है, एक रिजेक्ट वाटर का है, एक ड्रिंकिंग वाटर का है। जैसे FR ये 300 लिखा है ना, जैसे 300 लिखा है, ये रिजेक्ट वाटर का जा रहा है ये कनेक्शन, ये देखिए यहाँ से जा रहा है। अब चलिए ये वाशबेसिन में जा रहा है ना, वो रिजेक्ट वाटर का है, जैसे 300 लिखा है ना, जो बाल का गोल टाइप का, वही 300 रिजेक्ट वाटर का है। और एक ड्रिंकिंग वाटर का है, एक ड्रिंकिंग वाटर सीधा जा रहा है। देखिए यूवी में, यूवी मतलब अल्ट्रा वायलेट का है, इसमें जो भी कीड़ा वगैरह बैटरी रहता है वो मर जाता है। अल्ट्रा वायलेट में आउटपुट निकाल के कॉपर एल्यूमिनियम में जा रहा है, UVF फिल्टर में जा रहा है। देखिए UVF फिल्टर से सीधा हम लोग का ड्रिंकिंग वाटर से कन्वर्ट होता है पाइप लगा के। देखिए UVF फिल्टर से ये आ रहा है, देखिए ये नीचे आ रहा है। अब चलिए यहाँ तक आ गया। देखिए अब चलिए इसका TDS चेक करते हैं। देखिए फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा था लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। और चलिए एकदम एक्सलेंट ड्रिंकिंग वाटर है। TDS भी एकदम बढ़िया आ रहा है, पानी क्या है। मस्त चल रहा है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं। देखिए एकदम बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड्स, एकदम बस एक्सलेंट पे चल रहे हैं। आरओ का ड्रिंकिंग वाटर TDS का। अब चलिए इसका प्री फिल्टर किस तरीके से बदलना है सीखेंगे। आरओ का प्री फिल्टर है, आरओ का आउटसाइड फिल्टर है, आउटसाइड फिल्टर किस तरीके से बदलना देखिए फ्रेंड्स। आरओ का आउटसाइड का फिल्टर है, वो भी सिखा दूंगा। देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से नया वाला है, जैसे नई वाला फिल्टर का बदल रहा है। देखिए फ्री फिल्टर से सबसे पहले इनपुट आउटपुट कनेक्शन होता है, ये इनपुट आउटपुट से ये कनेक्शन हो रहा है। देखिए अब चलिए यहाँ से इनपुट कनेक्शन देखिए आउटपुट का है। देखिए तुरंत आउटपुट नहीं देना है, थोड़ा प्रेशर करके थोड़ा पानी निकालना है, या रिलीफ होगा। देखिए या रिलीफ होगा, पानी कंटिन्यू आने के बाद ही आउटपुट कनेक्शन देना है, तुरंत कंटिन्यू आउटपुट कनेक्शन नहीं देना है कभी भी। देखिए फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। अब चलिए आउटपुट दे दिए कनेक्शन, अब इसका टांग लेता है। देखिए अब बढ़िया हो गया फ्री फिल्टर का। देखिए अभी ये भी बदल दिया हमने फ्री फिल्टर भी। देखिए फ्रेंड्स ये फ्री फिल्टर है, इसमें भी इनपुट आउटपुट लिखा रहता है फ्री फिल्टर पे भी। अब बढ़िया हो चुका है कनेक्शन भी। देखिए अब आर हुआ, देखिए एकदम मस्त 16 लीटर एक्वा प्रेस का आर हुआ है। अभी TDS फाइनल चेक करवा देते हैं, एकदम एक्सलेंट है बता दिया कस्टमर ने, कस्टमर का सेटिस्फाइड होना चाहिए। जैसे पानी का देखिए 100 का ही है, एकदम बढ़िया एक्सलेंट ड्रिंकिंग वाटर है।
को प्रेस फॉर लीडर कार हुआ, कहीं भी पूछताछ करना कमेंट बॉक्स में कर सकता है। मोर वेलकम एम पी आर आर ओ चैनल।